Hey, what's up guys, we are back with a new video. तो guys, Nothing Company ने एक नया OTA अपडेट यहाँ पे रिलीज किया है हमारे Nothing Phone 1 के लिए, जो बेसिकली रहने वाला है Nothing OS 2.0.5 एंड और आप लोगों को पता होगा दैट लास्ट अपडेट हमें यहाँ पे अक्टूबर मंथ में मिला था, जिसका डेट थी शायद से 17 अक्टूबर और करंटली यहाँ पे देखिए आज की डेट अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो 23 नवंबर देखने को मिल रहा है। तो फिर से यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन नहीं भेजा है Nothing Company ने, तो मैन्युअली जाके चेक करना होगा। नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद आता है वैसे, या रात तक आ जाएगा या कल मॉर्निंग तक आ जाएगा कुछ यूजर्स को, बट यहाँ पे अगर आपको मैन्युअली चेक करना है तो सेटिंग्स में आ जाना है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम पे टैप करना है, उसके बाद यहाँ पे सिस्टम अपडेट में। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिस्टम अपडेट के नीचे यहाँ पे अपडेट अवेलेबल लिखकर आ चुका है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे चेक कर लिया है। तो आप लोग क्या करना है, चेक फॉर अपडेट पे टैप करना, तो तुरंत कुछ इस तरह की आपको स्क्रीन यहाँ पे शो हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है सिस्टम अपडेट अवेलेबल, व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। तो चलिए लोग देख लेते हैं फटाफट कि इस अपडेट में क्या देखने को मिलने वाला है। तो Nothing OS 2.0.5 के चेंज लॉग हैं, इंप्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन फोन एंड हेडफोन वॉल्यूम्स, ऑप्टिमाइज्ड डिस्प्ले ऑफ द वॉइस ओवर वाईफाई आइकॉन इन द स्टेटस बार, अपडेटेड सिक्योरिटी पैच फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन, एड्रेस द सेवरल सिस्टम स्टेबिलिटी इश्यूज टू प्रोवाइड अ स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि हमारा जो यूजर एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे बेटर करने के लिए इस अपडेट को रिलीज किया गया। उसके साथ ही यहाँ पे आपको अपडेटेड सिक्योरिटी पैच देखने को मिलने वाला है। करंटली हमारे फोन में यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी पैच है वो देख लेते हैं पहले। करंटली यहाँ पे देखिए 1 सितंबर 2023 का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। अभी चल रहा है नवंबर मंथ, तो नवंबर मंथ का ही सिक्योरिटी पैच शायद से आने वाला है, देखते हैं अपडेट करने के बाद। तो क्या करते हैं, चलते हैं सेटिंग्स में फिर से एंड टाइप करते हैं सिस्टम पे एंड सिस्टम अपडेट पे। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक स्टॉपवॉच ले लेता हूँ, जिससे हमको यहाँ पे टाइम का पता चल जाएगा कि दैट अपडेट को डाउनलोड होने में एंड इंस्टॉल होने में कितना समय लगने वाला है। तो अपडेट का साइज यहाँ पे देखने को मिल रहा है 66.76 MB। तो जैसे ही मैं स्टॉपवॉच पे टैप करूंगा तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे भी टैप कर दूंगा। तो इस फोन को यहाँ पे रखते हैं एंड बिगिन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऊपर से यहाँ पे डाउनलोडिंग यहाँ पे चालू हो चुका है और 66 MB का अपडेट है, तो यार फटाक से डाउनलोड हो जाएगा एक दो मिनट में, क्योंकि मैं ऑलरेडी वाईफाई पे कनेक्टेड हूँ। तो गाइस यहाँ पे कुछ 2 मिनट 45 सेकंड्स में यहाँ पे ऑप्टिमाइजिंग योर डिवाइस यहाँ पे चालू हो चुका है। इसके पहले यहाँ पे डाउनलोड एंड इंस्टॉल वाला सेक्शन चल रहा था, तो अब यहाँ पे फोन क्या होगा, ऑप्टिमाइज होगा, यानी कि अपडेट यहाँ पे इंस्टॉल होगा, फिर फोन यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं और कितना समय लगता है। तो गाइस कुछ यहाँ पे 9 मिनट्स में यहाँ पे देखिए ऑप्टिमाइजिंग योर डिवाइस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अब रिस्टार्ट नाउ पे टैप करेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा फोन यहाँ पे सिंपल रिस्टार्ट होगा एंड यहाँ पे थोड़ा सा प्रोग्रेस बार आएगा शायद से और फोन यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए रिस्टार्टिंग यहाँ पे लिखकर आ चुका है, उसका यहाँ पे एनिमेशन प्ले हो रहा है और अब यहाँ पे ब्लैकआउट होने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पे 10 मिनट्स हो चुके हैं अपडेट को इंस्टॉल होते हुए, तो कंप्लीटली ब्लैकआउट हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे वाइब्रेशन आएगा, अभी के लिए नहीं आया है, वेट कर रहे हैं हम लोग अभी, अभी जस्ट आया एंड ये अभी देखिए Nothing का लोगो आ चुका है, नीचे लिखा हुआ है पावर्ड बाय एंड्रॉइड। तो थोड़ा सा समय यहाँ पे और लगने वाला है, बोल सकते हो यहाँ पे 12 to 13 मिनट्स टाइम लग सकता है इस अपडेट को इंस्टॉल होने में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम लग चुका है ऑप्टिमाइजिंग योर डिवाइस होने में। आई होप सो यहाँ पे प्रोग्रेस वाला यहाँ पे नहीं होना चाहिए Nothing Phone 1 में, क्योंकि यहाँ पे Nothing Phone 2 में बिल्कुल भी नहीं होता है ऑप्टिमाइजिंग और डिवाइस होता है, उसके बाद यहाँ पे Nothing का लोगो वगैरह आता है और तुरंत यहाँ फोन चालू हो जाता है। लेट्स सी यहाँ पे Nothing Phone 1 में ये चीज़ होती है नहीं होती है। तो गाइज यहाँ पे Nothing का लोगो चाह चुका है और यहाँ पे प्रोग्रेस बार आ चुका है, जिसमें यहाँ पे देखिए 3 रेड डॉट्स देखने को मिल रहे हैं एंड बाकी यहाँ पे ब्लैक है, जिसमें से यहाँ पे रेड डॉट यहाँ पे फ्लो कर रहा है लेफ्ट से राइट को। वेट करते हैं, क्योंकि पहले वाला प्रोग्रेस बार आपको अगर याद हो तो लाइन वाला जैसा था, अब यहाँ पे ये डॉट वाला हो चुका है। ओके गाइज यहाँ पे टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी प्रोग्रेस बार के लिए और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें लगे हैं कुछ 11 मिनट्स 52 सेकंड्स, तो ऐसे कुछ यहाँ पे टाइम लगने वाला है आपको भी इंस्टॉल करने में। तो गाइज यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसिंग चल रही है, पिछले टाइम यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे अपडेट किया था Nothing OS 2.0.4 पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लैग देखने को मिल गया था, लाइक फ्रीज हो गया था फोन लिटरली एंड क्रैशेस वगैरह भी हो रहे थे।
इस टाइम यहाँ पे ऊपर होता ही नहीं होता है, तो यहाँ पे अनलॉक करता हूँ मैं इस फोन को। इस टाइम सेम वैसे ही लग रहा है, हाँ नहीं हो रहा है, इस बार बिल्कुल भी क्रैश नहीं हुआ, इस टाइम बिल्कुल अच्छे से चालू हो चुका है। यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे सिस्टम इंस्टॉलेशन चालू होगा जैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन बार नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। वेट करते हैं थोड़ा सा प्रोसेसिंग के लिए। हाँ देखिए अब जाके आया है, काफ़ी देर बाद इसने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसिंग चल रही है। तो आप लोग क्या करना गाइस, थोड़ा सा वेट कर लेना अनलॉक के बाद, क्योंकि यहाँ काफ़ी प्रोसेसिंग चल रही है, क्योंकि यहाँ पे फिनिशिंग सिस्टम अपडेट लिखकर आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिस्टम यूआई इज इन रिस्पॉन्डिंग, पिछली बार ही जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपने फ़ोन को यहाँ पे एक बार फॉर्मेट कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जब से यहाँ पे फ़ोन खरीदा हुआ है तब से मैंने बिल्कुल भी यहाँ पे नथिंग फोन वन को फॉर्मेट नहीं किया हुआ है। ये इशू शायद तभी जाके फिक्स होगा मेरे फ़ोन पर, आपके साथ होता ही नहीं आता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया था सिस्टम यूआई का एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पे फिर से चालू हो गया, तो फिर अच्छे से यहाँ पे ये वर्क करने लगा। तो इसका सॉल्यूशन यही था, तो मुझे क्लोज करना पड़ा था। तो गाइस यहाँ पे देखिए सिस्टम अपडेट सक्सेसफुल लेकर आ चुका है, कुछ अजीब तरीके से देखने को मिल रहा है इस टाइम मुझे। ओके पे टैप करते हैं इस पे एंड चलते हैं सेटिंग्स में, देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा सिक्योरिटी पैच आया हुआ है फोन पर। चलते हैं अबाउट में, और गाइस यहाँ पे देखिए नथिंग वॉस 2.0.5 है, पहले 2.0.4 था। और चलते हैं एंड्रॉइड वर्जन पर, और गाइस यहाँ पे देखिए 1 नवंबर 2023 का एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा फोन को मैं यहाँ पे यूज करके देता हूँ, और यहाँ पे जो भी चेंजेस के बारे में उन्होंने बताया हुआ है वो भी चेक कर लेते हैं। आफ्टर 5 to 10 minutes ऑफ यूसेज मैंने यहाँ पे फोन को यहाँ पे चेक कर लिया, तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस सबसे पहला चेंज लॉग मैं यहाँ पे मेंशन किया था कि दैट इंप्रूव्ड सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन फोन एंड हेडफोन वॉल्यूम्स। तो गाइस यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईयरबड्स के साथ यहाँ पे चेक कर लिया, मेरे पास बड़े वाले हेडफोन्स तो नहीं है, शायद से उनके साथ इशूज देखने को मिल सकता है, बट ईयरबड के साथ इशूज देखने को तो मुझे नहीं मिले थे प्रीवियसली। बट यहाँ पे अपडेट के बाद भी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे चेक कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने 5 to 10 minutes यहाँ पे मैंने सॉन्ग सुने एंड ऊपर नीचे वॉल्यूम करता रहा कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। लाइक सिंक में ही है सब कुछ, जैसे ही मैं यहाँ पे डाउन करूंगा तो ईयरबड्स में भी वॉल्यूम डाउन तुरंत ही हो रहा है, यानी कि लेट नहीं हो रहा है। तो ये चीज बिल्कुल भी करेक्टली यहाँ पे वर्क कर रही है नथिंग फोन वन में, बट कंपनी ने मेंशन किया तो कुछ ना कुछ जरूर रीजन होगा इसका। नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखने को मिला था ऑप्टिमाइज द डिस्प्ले ऑफ द वॉइस ओवर वाईफाई आइकॉन इन द स्टेटस बार। इसके लिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे पिछला वाला स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। तो गाइज ये वाला जो स्क्रीनशॉट है नथिंग फोन 2 में, ये नथिंग फोन वन का ही है, अपडेट करने से पहले का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए टाइमिंग भी देखने को मिल रहा है 7:36 PM। तो गाइस स्टेटस बार में अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करो तो वॉइस ओवर वाईफाई का आइकॉन कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है, एंड अगर मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह का देखने को मिल रहा है। इसमें मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी चेंजेस तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, शायद से यूसेज के टाइम पे ही ये पता चलेगा। तो शायद से वो कभी कभी वर्क करता होगा, कभी कभी नहीं वर्क करता होगा यहाँ पे, क्योंकि डिजाइन में बिल्कुल सिमिलर देखने को मिल रहा है, मुझे यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नथिंग कंपनी ने बात की थी कि अपडेटेड सिक्योरिटी पैच फॉर ओवरऑल प्रोटेक्शन। तो गाइस नवंबर से सिक्योरिटी पैच यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया एड्रेस द सेवरल सिस्टम स्टेबिलिटी इश्यूज टू प्रोवाइड अ स्मूदर यूजर एक्सपीरियंस। तो ये आपको यहाँ पे डेली यूसेज में ही पता चलेगा दैट अब जब भी यहाँ पे फोन को यूज करोगे प्रॉपरली तभी ये चीजें सभी क्लियरफाई होंगी। तो गाइज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी यहाँ पे आपको इश्यूज आ रहे होंगे आपके नथिंग फोन वन में आफ्टर अपडेट, तो कमेंट सेक्शन में बताना आफ्टर दिस वीडियो। बाकी चीजों के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक रिव्यू वीडियो लेके आते हैं, काफी दिन हो चुके हैं रिव्यू वीडियो नहीं बनाए, गेमिंग टेस्ट वीडियो तुरंत आने वाला है, कल ही मैं मॉर्निंग पे बनाऊंगा जल्दी से। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जो करना, शेयर जो करना, कमेंट करना अगर आपको कुछ क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू नथिंग फोन वन या नथिंग फोन 2। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय। दिस द न्यू वेव, टर्न इट अप, आई एम इन द बैक सीट चिलिंग विद योर गर्ल, व्हाट्स अप, शी वांट टू टॉक ऑल डे बट आई एम नॉट इन द मूड, आई एम ट्राइंग टू डांस ऑल नाइट, आई गॉट समथिंग टू डू, आई मेक हिट्स फॉर द पीपल एट होम इन द रूम्स लुकिंग फॉर अ रीजन टू गेट आउट ऑफ इट सून।